मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। बेबी को जन्म देना ये माँ के लिए एक सुनहरा पल रहता है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे टेंशंस रहती है, चिंताएं रहती है जो लेबर पेन्स को लेकर होती है, और उसके साथ ही ये भी एक डर रहता है बेबी का सिर जब नीचे आता है और वो बाहर आने की कोशिश करता है तो डॉक्टर एक छेद लगवाते हैं जिसको हम एपिजियोटॉमी कहते हैं। तो लेबर पेन्स को लेके, ये छेद यानी कि एपिजियोटॉमी को लेके हमारे मन में बहुत सारा डर रहता है। लेकिन हमने ऐसे भी सुना है नेचुरल बर्थिंग के बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिनमें दर्द कम महसूस होता है, जिनमें हिप्नो बर्थिंग है, वाटर बर्थिंग है, और ये नेचुरल टाइप के बर्थिंग मेथड वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है। वाटर बर्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन ये डिलीवरी ऑप्शन ऑप्ट करने के पहले हमें वाटर बर्थिंग के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। तो इस जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रितु पेटकर जो गायनेकोलॉजिस्ट है और वाटर बर्थ एक्सपर्ट है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रितु पेटकर और मैं एक स्त्री रोग तज्ञ और वाटर बर्थिंग एक्सपर्ट हूँ, मतलब नेचुरली आपको डिलीवरी करने में मदद करूँगी। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे वाटर बर्थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वाटर बर्थिंग में सबके लिए एक सवाल सा होता है कि बच्चा पानी में बाहर आएगा? वाटर बर्थिंग मतलब पानी में? जी हाँ, पानी में बच्चा बाहर आएगा। और अक्सर ये बात मुझसे पूछी जाती है कि क्या फिर बच्चा वो पानी अंदर नहीं ले लेगा, बच्चे को तकलीफ नहीं होगी? तो इसका जवाब बिल्कुल ना है। क्यों? आप ये बात समझ लीजिए कि ये कैसे संभव है। अंदर, गर्भ के अंदर बच्चा एक पानी के कोश के अंदर होता है, एक कवच है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और बच्चा उसके अंदर होता है। हम जब सांस लेते हैं बाहर तो हवा अंदर लेते हैं, लेकिन बच्चा हवा नहीं लेता है, वो पानी ही बच्चा अपने नाक से अंदर लेता है, उसके लंग्स में वो पानी ही जाता है और फिर बाहर आता है। तो ये सर्कल चलता रहता है। जब डिलीवरी होती है तो बच्चा उस पानी के कोश से निकल के एक दूसरे पानी के कोश में आता है, और सांस बच्चा तभी लेता है जब वो हवा के संपर्क में आता है। तो अब पानी के कोश में से निकला और पानी के कोश में ही आया, समान टेम्परेचर के, जो मेंटेन किया जाता है एक आर्टिफिशियल पूल में, और फिर जब बच्चा वहाँ से बाहर आके हवा से संपर्क होगा तभी ही बच्चा सांस लेगा। इसीलिए वाटर बर्थिंग में बच्चे को कोई भी रिस्क नहीं है। अब जानते हैं कि हॉस्पिटल सेटअप्स में ये वाटर बर्थिंग कैसे होता है। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया जाता है, एक डेडिकेटेड यूनिट, जिसमें एक पूल बनाया जाता है और उस पूल में उस लेडी की डिलीवरी होती है। पूल इस तरह बनाया जाता है कि उसमें पानी का फ्लो कंटिन्यूस रहता है, एक अलग टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उस पूल में लेडी को तो बैठने की जगह होती है, साथ में उसका हस्बैंड भी उसके साथ रह सकता है और उसे मदद कर सकता है, उसका साथ दे सकता है उस एहसास में जिसके साथ वो जा रही है। लाइट सिस्टम अलग एडजस्ट की जाती है रूम की, जिसमें लाइट्स को थोड़ा डिम किया जा सकता है जिससे कि रिलैक्सेशन बेटर मिल सके। मसाजेस दिए जा सकते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है हमेशा साथ में, जो उस लेडी को एक्सरसाइज करवाने में हेल्प करती है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास में आता है, अलग अलग एक्सरसाइज करवाए जाते हैं जिससे कि उस स्टेज ऑफ लेबर के लिए उनको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से एक अलग माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें लेडी रिलैक्स रह सके। लाइट म्यूजिक चलता है जिसमें कि वो मेंटली भी रिलैक्स हो सके, और एक अलग माहौल सा होता है जो कि बहुत होलीनेस, या जिसको हम कह सके कि बहुत होलिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जो उस लेडी को एक अलग एहसास दिलाता है और उसको वो जिंदगी का एक्सपीरियंस दिलाता है व्हेन शी एंटर्स इनटू मदरहुड। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ बर्थिंग है जो एवर मेमोरेबल रहेगा एक लेडी के लिए, नॉट एज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बट अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट शी विल नेवर फॉरगेट द वे शी गेव बर्थ टू हर बेबी। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया वाटर बर्थ बेबी के लिए एकदम सेफ रहती है, बेबी को बिल्कुल खतरा नहीं होता, बेबी अच्छी तरह से बाहर आने के बाद ब्रीथ करता है, और वाटर बर्थ के लिए अपने हॉस्पिटल में क्या सेटअप रहता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।